हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी सॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमारे नेक्स्ट टॉपिक किंगडम मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा के नाम से ही पता चल रहा है मोनो यानी इसमें एक सिंगल होंगे यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके सोल यानी सिंगल मेंबर होते हैं। मोनेरा में आ रहा है मोनो और बैक्टीरिया जो है इसके सिंगल मेंबर होते हैं यानी बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा किंगडम में नहीं आता। और जो बैक्टीरिया या जो मोनेरा किंगडम के जो भी ऑर्गेनिज्म है दोनों एक ही बात है क्योंकि बैक्टीरिया ही मोनेरा में है। तो उनमें मेटाबॉलिकल डाइवर्सिटी बहुत होती है यानी उनका न्यूट्रिशन गेन करने का कोई एक मोड नहीं है। जैसे हम बात करें किंगडम प्लांटी की तो सिर्फ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, किंगडम एनिमेलिया सिर्फ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, पर इनमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यानी इनकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत होती है। ये बहुत सारे अलग अलग मेथड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे। तो बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम के होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी जब हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मोनेरा ही एक ऐसी किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। इसके बाद जितनी भी आएगी प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक उन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। फिर हम बात करते हैं मोनेरा की शेप की, या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम शेप के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया राउंड शेप का या स्फेरिकल शेप का है तो उसको हम बोलेंगे कोकाई। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो जो कोकस है वो कोकाई से ही बना हुआ है, उसका प्लूरल है यानी वो जो बैक्टीरिया वो राउंड शेप का है। वैसे अगर कोई बैक्टीरिया रॉड शेप का होगा तो उसके लिए टर्म यूज होगी बेसिली। अगर कोई बैक्टीरिया कोमा शेप का होगा तो उसके लिए यूज होगा विप्रो। कोई बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होगा तो उसके लिए स्पाइरिला। तो ये शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग नाम है, ये जब हम उसका नामकरण करते हैं तब हम इनको यूज करते हैं। अब हम ये यहाँ पे बात की थी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, तो ये न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेसिक दो मेथड होते हैं, या तो ये ऑटोट्रॉप होंगे या हेटरोट्रॉप होंगे। इनकी वास्ट मेजोरिटी यानी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब वो एज ए पैरासाइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एज ए पैरासाइट लिव करते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक वो भी एक हेटरोट्रॉप का ही मेथड है। तो मोस्टली ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, जो केमिकल से अपना फूड बनाए, और फोटोसिंथेटिक क्या होगा, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाए। नेक्स्ट, ये जो मोनेरा किंगडम के जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे कोई स्नो हो गई या हॉट स्प्रिंग हो गया या डेजर्ट या डीप ओशन, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, पर जो मोनेरा किंगडम के जो बैक्टीरियाज हैं या जो ऑर्गेनिज्म है वो इन कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो अब इसके आगे दो पार्ट है, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया की। आर्किबैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे मोनेरा किंगडम के जो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम या हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे मोस्ट हार्श हैबिटेट, हैबिटेट यानी मैंने पहले भी बताया था कि हैबिटेट क्या होता है, कि वो कौन सी कंडीशन में रहता है, वो उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो गया। तो मोस्ट हार्श हैबिटेट यानी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे सॉल्टी एरियाज हो गए। तो सॉल्टी एरियाज में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स यानी ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है वहां पे, तो वो हो गए थर्मोसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज, वहां पे मिथेनोजेंस, और ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं ये रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो इन रूमिनेंट्स की गट में भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पे क्या करते हैं कि उनका जो डंग होता है, जैसे काउ डंग हो गया, तो उसमें से बायोगैस यानी मैथेन का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो उस काउ डंग में मैथेन होता है, तो उसके लिए मैथेनोजन ही रेस्पॉन्सिबल है, ये ही उसमें मैथेन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, आर्किबैक्टीरिया का जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बाकी बैक्टीरिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया की, यानी ऐसे यू बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं, तो इनमें क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी मौजूद होता है।
तो उसी की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया या बीजीए जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल होते हैं, वो हमें पता है क्योंकि ये मोनेरा है तो सिंगल सेलुलर ही होंगे। और कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल यानी बहुत सारे जो बीजी है या जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये साथ साथ रहते हैं, एक कॉलोनी बना के रहते हैं, तो ये कॉलोनियल होते हैं। और ये जो एल्गी है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो फ्रेश वाटर में भी रहती है, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है, यानी ये फ्रेश वाटर में भी रहती है, मराइन वाटर में भी रहती है और जमीन पे भी रहती है, तो ये बीजी तीनों में सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट की जो इसकी कॉलोनीज होती है, अभी हमने बात किया ये कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, तो इनकी जो कॉलोनीज होती है वो एक जिलेटिन की शीट से कवर्ड होती है। और वो क्या करते हैं कि अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है तो वहां पे ब्लूम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे भी होते हैं बीजीए जो N2 का फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं कुछ स्पेशल सेल्स में, जिनको हम बोलते हैं हिट्रोसाइट्स। पूरे सब लोग नहीं करते, बस स्पेशल सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं हिट्रोसाइट्स। अब फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल या साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल हो गए नॉस्टॉक एंड एनाबेना, तो ये दो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब हम बात करते हैं हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो जब हमने पहले बात की थी तब भी हमने कहा था कि जो हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है यानी मोस्टली बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो यहाँ पे भी यही बात है कि ये नेचर में मोस्ट एबंडेंट पाए जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और इनका बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स में, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, तो वो क्या काम करता है, दही को जमाने का काम करता है, दूध से दही बनाने का काम करता है। और जैसे हमारे ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में भी होते हैं बैक्टीरिया जिसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, तो वो बहुत सारे यानी कॉमनली एनिमल्स के गट्स में पाए जाते हैं। इनको हमने कभी ना कभी दवाई के रूप में भी लिया, जैसे लैक्टिक एसिड बैसिलस हो गया, या जैसे याकुल्ट काइड आता है शिल्पा शेट्टी का, तो वो जो बैक्टीरिया होता है उसमें वो बोलते हैं कि बैड बैक्टीरिया अटाके गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, तो गुड बैक्टीरिया यही होते हैं, जैसे वो गट्स में प्रेजेंट होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इनका एक और यूज है कि ये एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आते हैं हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और लेग्यूम की जो रूट्स होती है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। तो ये तो इनकी पॉजिटिव साइड हो गई कि ये कितने हेल्पफुल है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इस सारे पॉजिटिव को बैलेंस करते हैं, यानी वो पैथोजेनिक होते हैं, वो बहुत डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमंस में हो गया या क्रॉप्स में हो गया, पेट्स को हो गया, एनिमल्स को हो गया, तो उन सब में वो बहुत डैमेज कॉज करते हैं या उनको बीमार करते हैं। तो जैसे ह्यूमंस में कॉलरा डिजीज हो गई, टेटनस हो गई, ऐसी जो डिजीज है वो सारी बैक्टीरिया से ही होती है, तो ये भी इनका एक हार्म इफेक्ट है। ये पॉजिटिव साइड ये हो गई कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प किया, या पॉजिटिव इनका जो हेल्प है वो ये हो गई। और इनका नेगेटिव साइड क्या हो गया, यानी इनका माइनस क्या हो गया कि ये पैथोजेंस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली तो कैसे करेंगे, मेनली तो ये फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है उसमें फिजन हुआ और दो बन गए, तो मेनली ये ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन से। लेकिन अगर कई बार अनफेवरेबल कंडीशन है या जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इनके फेवर में नहीं है, तो ये क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन भी करते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये फिजन से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो हो गए एसेक्सुअल मेथड। अब ये सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, यानी डीएनए ट्रांसफर का जो प्रिमिटिव टाइप है उससे ही ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे ही एसेक्सुअली तो हो गया फिजन से और सेक्सुअली हो गया डीएनए ट्रांसफर से। तो ये मोनेरा किंगडम यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।